कहानी है इकबाल की, एक 16 साल का बच्चा जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। इकबाल के पिता बीमार थे, इसलिए इकबाल को ही काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक उसके अब्बू की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई और उसके अब्बू का देहांत हो गया। इकबाल की मदद करने वाला अब कोई नहीं था, इसलिए इकबाल खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। वो अकेला सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफना के कब्रिस्तान की गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब काफी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज चल रही थी। अचानक इकबाल को किसी ने पीछे से आवाज दिया, इकू। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। सिर्फ इकबाल के अब्बू उसे इकू कह के बुलाते थे, इसलिए इकबाल ने सोचा शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। पर जब इकबाल ने जोर जोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया, तब वो डर गया और जल्दी जल्दी गेट की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही इकबाल गेट के नजदीक पहुंचा, अचानक गेट बंद हो गया। वो एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतनी ऊंची थी कि वो उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान का एक और गेट था जो कि पीछे की तरफ था, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए इकबाल को वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक जाने का फैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीच से जा ही रहा था कि अचानक उसे दूर एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। वो उस औरत के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल फिर से उसे पूछने ही वाला था कि उस औरत का सिर अचानक से पीछे घूम गया। उसकी दोनों आंखें लाल थी और इकबाल को गुस्से से देख रही थी। ये देखकर इकबाल जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा। इकबाल चैन की सांस ले भी नहीं पाया होगा, अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और इकबाल की तरफ आने लगी। जैसे ही कुछ कोहरा हटा, उस औरत का चेहरा इकबाल को साफ साफ दिखने लगा। उस औरत को देखकर इकबाल के रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन है। वो औरत इकबाल के करीब आ रही थी और इकबाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक इकबाल का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतनी गहरी थी कि वो वहां से निकल ही नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे जमी के अंदर खींच रही है। जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही औरत उसे खींच रही थी। उसका आधा शरीर जमी के अंदर जा चुका था। अब तो इकबाल की दिखने लगा कि अपने अब्बू के साथ वो भी इसी कब्र में दफन हो जाएगा। अचानक इकबाल का कोई हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा था। वो जैसे ही ऊपर आया, सीधा कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चला गया। उसे समझ आ गया था कि उसे ऊपर खींचने वाला उसका अब्बू ही था। इसीलिए कहते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करता है, वो आपको मरने के बाद भी मदद करता है। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी डरावनी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।